नमस्कार दोस्तों, आज ये अल्ट्रासिम का ये न्यू किट है, इसमें जो पुराना था वो ख़राब हो गया, इसकी जगह अपन दूसरा नया किट लगाएंगे। ये रिमोट है, ये इसके अंदर जो सर्विस मोड का सेटिंग है, इसका पैरामीटर है, ये वायरिंग साथ में आती है, और ये अपना अल्ट्रासिम का किट है। अल्ट्रासिम 21 इसमें ये यहाँ लगेगा ट्यूब के अंदर, ये सब पूरा कलर का सेटिंग है। पहले आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अर्थिंग लगाना नहीं भूले, इसको ग्राउंड जरूरी करना है, इस मामले में आप गलती नहीं करें। आपको बता देता हूँ, ये मेंस एसी सप्लाई है, यहाँ मेन सप्लाई आएगी, ये डेकोजिंग कोयल के लिए जो ये लगी हुई है, ये सप्लाई लगेगी। यहाँ ये की के लिए ये पैनल काम करेगा, इससे ये दूसरा की के लिए लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये लगेगा। जिससे अपन चैनल सब सिस्टम ऑपरेट करने के लिए ये काम आता है। और इस बात का ध्यान रखें, ये यॉक से आ रहे वायर ये ESD का वायर है, इस बात का ध्यान रखें, ये डिस्चार्ज है अभी तो, नहीं तो इसके अंदर ज़्यादा हाई वोल्टेज आते हैं। इसको स्याप करके अच्छी तरह फिट कर ले। योग के बाद ये लगे हुए, ये भाग देखो वर्टिकल के हैं, ये दोनों वर्टिकल के हैं, और ये बार की साइड है वो ओरिजेंटल है, इस बात का ध्यान रखें। इसको ग्राउंड कर लेते हैं, एक ग्राउंड के वायरिंग है, ग्राउंड का पक्का ध्यान रखें आप, ग्राउंड ये स्पीकर के वायर है, ये लगा रहा हूँ मैं, ये लेफ्ट और राइट है, दोनों स्पीकर के वायर हो गए। ये देखो यहाँ की लगेगी, की के साथ में ये मेंस कोड है। अब आपको ये बता देता हूँ, ये ऑडियो वीडियो इन है, इनकी सप्लाई है, जो एक और दो ऐसे आता है, वन और टू, ए बी वन और टू है, ये दोनों आप ऑडियो वीडियो के लिए यूज़ करोगे। अब इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि ग्राउंडिंग करना नहीं भूले, प्लीज़ आप सप्रेशन नहीं किया तो सप्रेशन जरूर करें। ये देखो ये मेन सप्लाई है, यहाँ लगानी है, यहाँ डेगोजिंग लगेगी, ये PTC लगी हुई है, ये PTC है जो डेगोजिंग कोयल के लिए है। ये की वायरिंग है जो ये काम करेगी, ये सेंसर की है जो रिमोट इसके ऊपर काम करेगा, और LED लाइट जलेगी इससे।
ये एवी इन है, वन और टू एवी इन का ऑप्शन आता है, एवी करते हैं तब ये दोनों। ये स्पीकर के हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हैं। एक बार इसको सप्लाई देख के देखते हैं। चालू हो गया सेट। आप यहाँ से स्क्रीन चेक करने का है, रास्ते को अंदर इतनी चमक को सेटिंग का है। ये फोकसिंग सेटिंग है, प्लीज़ आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन जरूर करें और घंटी पे आप क्लिक करें ताकि नई अपडेट होगी जो भी आपके पास में आ जाए। एक बार इसको फिट करके चेक करते हैं। ये एवी के बाहर लगे हैं, ये पुराना इसी का जो किट था उसमें से निकाल के लगाया मैंने। ये वीडियो का वायर है जो यहाँ आएगा, ये ग्राउंड है और ये लेफ्ट और राइट ऑडियो है। एक बार चालू कर देते हैं। चेक चालू हो गया। चालू हो गया, वीडियो आ गया। मुतालबा यही है कि जो बड़े लोग हैं आप इसको सही तरीके से फिट कर ले एक बार। ये कंप्लीट चालू है। एक बार आप इसको किट को कंप्लीट इसके अंदर फिट कर लें ताकि आप उसको सही व्यवस्था दे सकें। हम बात कर रहे थे अल्ट्रा स्लिम मॉडल की, जो 21 इंच की जो टीवी है, 21 की जो टीवी आती है अल्ट्रा स्लिम पुराने, अगर कुछ किट का कुछ सामान नहीं मिले तो उसको अपन दूसरे नया इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रिमोट है, रिमोट की ये देखो यहाँ लगी हुई है, यहाँ की से दबाएंगे तभी रिसेट फैकल्टी विंडो खुलेगा। उसके खुलने के बाद में आप 0 से लगाकर 7 तक अलग अलग सेक्शन आते हैं, किसी में 5 आते हैं किसी में 7 आते हैं। अल्ट्रा स्लिम में जैसे हाइट हाइट को बढ़ाना, तो एक नंबर ऑप्शन एक नंबर प्रेस करोगे तभी आपको एक नंबर ऐप फाइल खुलेगी, जिससे आप टीवी की जैसे आपकी हाइट है, वर्टिकल की सेक्शन है और पूरा सेटिंग है, इसमें आपके जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप अप और डाउन कर सकते हैं। अप और डाउन करने के लिए की है, ये सेंजिंग के लिए है। उसके बाद में वापस अगर बाहर निकलना हो, बाहर निकलने के लिए डिस्प्ले का, या फिर आप यहाँ से प्रेस करके बाहर निकल सकते हैं। इसका मेन्यू खुल गया है, सर्विस मोड। इसमें देखो एक नंबर रिमोट से हम दबाएंगे तो ये ओरिजेंटल की ये सब सेटिंग है, वो अपने आवश्यकता के अनुसार सेट कर लिए। रिसेट फैकल्टी खोलने के लिए ये पूरा शार्ट बना हुआ है, इसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है कैसे सर्विस मोड खोलने का है।